बाहर का भगवान तो बस नाम ही का है, उससे अपना कितना काम निकल सकता है। सच्चा भगवान तो अंदर का है, ये हमारे काम का भगवान है। बाहर के भगवान से हमारे किसी संकट का निवारण नहीं हो सकता, अंदर के भगवान से ही ये सब संभव है। इसलिए मैं कहता हूं हमारी समझ ही हमारा भगवान है। नॉलेज इज पावर। एक पर्टिकुलर स्तर का, एक ऐसा पर्टिकुलर स्तर है लोगों का जो दुख से बचने का उपाय अज्ञान को मानते हैं। मैं पहले पीरियड में कहा था इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऐसा वे कहते हैं। अज्ञान ही वरदान है, जब तक अज्ञान में रहते तब तक हम सुखी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कबूतर कबूतर थोड़ी देर आंख बंद भी करके बैठ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। बिल्ली उसको खाने से तो चूकती नहीं है। कबूतर के बचने का उपाय अज्ञान नहीं है, कबूतर के बचने का उपाय अपने सुरक्षित स्थान पर जाना है, और वो तब संभव होगा जब पहले वह वस्तु का अच्छे से ज्ञान करे। लोक में गवर्नमेंट आज कैसी कैसी पॉलिसीज, आज का तो स्टेटस मुझे अपडेट नहीं है, हमारे टाइम की बात है जब हम स्कूल लाइफ की बात करता हूँ। स्पोर्ट आदि में तो कम इंटरेस्ट रहा, स्पोर्ट मतलब यहाँ पर जाना वहाँ पर जाना, इसमें तो इंटरेस्ट कम रहा। तो तब एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, आज की मुझे पता नहीं है, कि जो स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर हॉकी के लिए फुटबॉल के लिए जो जाते थे, और इफ दे मिस द एग्जाम्स, एग्जाम के दौरान यदि वो एक महीने के लिए बाहर जाते हैं, 8 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट उनको यदि इतने दिन के लिए गए हैं तो +5%, इतने दिन के लिए गया है ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, कुछ भी हो जाए तो उसका आगे पीछे कर लेंगे +10% +20%, अदरवाइज कौन करेगा ये तुम्हारा काम, फिर कौन खेल कूद करने जाएगा। लोक में तो ये रीति नीति स्वीकृत हो भी सकती है कि आपके ज्ञान की पूर्ति थोड़ी सी क्रिया कर भी ले। अब क्रियाओं में यदि मास्टर हो और ज्ञान की यदि कमी हो तो क्रिया उसकी पूर्ति कर सकती है। लोक की व्यवस्था हो तो भले ही हो सकती है, लोकोत्तर मार्ग में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पर 28 मूल गुण भी तुमको शरण नहीं है, क्योंकि जिससे प्यास बुझती है उसी से काम बन सकता है।
हीरे आभूषणों से अभी प्यास बुझने का कहां काम है, यहां पर तो रोटी चाहिए भूख मिटने। ज्ञान ही समाधान कारक है। 28 मूलगुण की क्रियाएं भी आपके अज्ञान की, आपकी ज्ञान की रिक्त स्थान की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। अज्ञान से उपजा दुख ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है, उसका निवारण ज्ञान से ही संभव है। देखिए ना, थोड़ा सा यहां पर खूब पब्लिक भर जाए, खचाखच भर जाए, आ जाए भैया, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ, 100, 200, 300। यहां से घोषणा क्या होती है, घोषणा क्या होगी, भाइयों और बहनों थोड़ा सरक सरक कर बैठो। बहुत यदि बात बढ़ जाए और इनपुट, ये भी हो सकता है, चौकियां हटाओ, एक तरफ कर दो, थोड़ा पास आओ, ये हो सकता है, होता है, ये कभी नहीं हो सकता। अरे बहुत पब्लिक, अरे एक काम करो, थोड़ी दीवारों को पीछे कर दो, ये नहीं होता। जिस संबंधी ज्ञान हमारा तय हो गया है एक बार कि नहीं हो सकता, उस संबंधी कर्तृत्व उत्पन्न नहीं होता। कर्तृत्व का नाश एकमात्र ज्ञान से होता है। ज्ञान में एक बार वज्र की दीवार नियत हो जाए दो द्रव्य में, फिर कुछ करने धरने का विकल्प कहा, और विकल्प होता होगा भूमिका के अनुसार, उसमें मरने की और मारने की, मर मिटने की, उसके पीछे ऐसी इतना गाढ़त्व क्यों रहेगा, समझ में आना चाहिए। किसी भी प्रसंग छोटा सा छोटा हमको पता चल गया इनका नेचर ऐसा है, पहले 2-3 दिन उलझ सकते हैं, फिर अड़ोस पड़ोसी कहते हैं इनका नेचर ही ऐसा है, गेट यूज टू, ऊपर से बने बोलते ऐसा है, अंदर से उनका बहुत मृदु नेचर है, तो हम यूज टू हो जाते हैं। तो फिर नया कोई आता है तो वे समझते हैं, पहले हमको भी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा है नहीं, नेचर 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 नेचर। जब तक आपको नेचर स्वभाव पता नहीं है वस्तु का, तब तक आप अनिजी बने रहते हैं। वस्तु के स्वभाव का ज्ञान करो, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। कल गाथा चल चुकी है, उस पर थोड़ा सा फिर हमने रिकैप कर लिया है, 96 और 97, क्योंकि कल बहुत सरसरी नजर से निकल गया। ज्ञान से ही कर्तृत्व का नाश होता है, ऐसी बात आई थी। और जो अनादिकाल से जो मिश्रित स्वाद का अनुभव वह जीव करता था दो वस्तुओं के बीच में, एक हमारी शुद्धात्मा और दूसरी पार्टी में रागादि और धर्मादि, रागादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के भाव, रागादि और वर्णादि की टोन नहीं थी, ये रागादि और धर्मादि की टोन थी। बदलते जाते हैं शब्द, बात तो वही कहनी है तुमको, 29 भाव की बात, और इन सबसे भेद विज्ञान कराया गया। अनादिकाल से मिश्रित स्वाद करता है, मिश्रित स्वाद लेता है, बाय बर्थ ही किसी को ऐसा लगे, कुछ अनइजी फीलिंग, ओके। विनोबा भावे ने अपनी बायोग्राफी में एक अच्छी बात लिखी है, कहते हम घर में 6 सदस्य रहते थे, 15-20 साल के बाद एक सदस्य का देहांत हुआ। विनोबा भावे जी बाय बर्थ ब्राह्मण थे, जब उनका देह विलय हुआ मैंने देखा घर में सूतक पातक की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, तो माँ को सहजता में पूछ लिया, माँ हमारे ताऊजी चल बसे हैं और कोई सूतक पातक नहीं सेकंड डे से, बेटा वे तुम्हारे कोई ताऊजी नहीं थे, अजनबी थे, अपन उनको जानते नहीं थे, बेसहारा थे, शरणार्थी थे, हमने उसको शरण भर दी थी, उस दिन उनको पता चला इनका और उनका कोई संबंध नहीं था। आप समझ रहे हैं कहने का तात्पर्य, अनादिकाल से मिश्रित स्वाद लेने पर उसको पता ही नहीं, ऐसे घुल मिल गए। ये पंडित जी साहब का उदाहरण विचारना चाहिए, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, ठगों की टोली में ही कोई दो बच्चे पैदा तो क्या हुए, सॉरी
पैदा अन्य जगह हुए, किडनैप करके यहां लाए गए और यही के अखाड़े में ट्रेन किए जा रहे हैं, बड़े किए जा रहे हैं और उसी रूप अनुभव करते हैं। किसी माध्यम से उनको पता भर चले, ज्ञान भेद विज्ञान की बात है, भेद विज्ञान मत सोचो, बोलो कितना अंधेरा, कितने काल से यह चलता रहा है, आज तक ऐसा ही होता रहा, आज तक शट अप दिस नॉनसेंस थिंग्स, आज तक अज्ञान चलता रहा है तो दैट शुडंट बी कंटिन्यूड। भूल हमारे कितने टाइम से चलती आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है। रात में साहब घुसा है आपके घर में, नहीं साहब रात भर से, अभी रात भर से है तो क्या रखने दे क्या, उसको बने रहने दे क्या। और 200 दिन से बाप दादाओं के टाइम के, उनको पता नहीं था, हमको पता चल गया है। 98, 99, 100 तीन गाथाओं के एक सेट चलेगा, शानदार। ये तीन गाथाएं आज आपको गाथा में एक नई सैर कराएंगे आचार्य देव। आप तो बस उनके वाहन में बैठो, बग्गी, एनीथिंग यू कैन कॉल। ये मत पूछो कहां जाना है, आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। और यहां पर पूछते हो कहां लेके जा रहे हैं, वहां पर नहीं पूछते। जो तहस नहस के जिन लोगों ने तुमको, वहां पूछते नहीं है, यहां पर क्यों पूछते हो तुम। 98, 99, 100 भी गाथा में आज सेंचुरी की तरफ बढ़ना, 100 100% प्योरिटी की तरफ बढ़ना है आज। 100 स्टैंड्स फॉर प्योर, 100 स्टैंड्स फॉर आत्मा, संयम। क्या कहा, संयम, यह शब्द प्राकृत का शब्द, संयम ऑल्सो स्टैंड्स फॉर 100। आप लोगों ने थोड़ा गौर किया होगा अभी गोमट सर की गाथाओं में, संयम स्टैंड्स फॉर 100, संयम स्टैंड्स फॉर सेल्फ ऑल्सो, आत्मा ऑल्सो। हम कहे 100% कहे, फुल कहे, कंप्लीट कहे, परिपूर्ण कहे, सब एक अर्थ अच्छी। 100 टंच सही गाथा चलेगी। नई बात आज कहने जा रहे हैं, आइए एक बार थोड़ा सा हम पाठ कर लेते हैं। 98, 99, 99 और 100 एक स्ट्रोक में तीन गाथाओं का हम पाठ करते हैं, पढ़िए। जदि सो पर दवाणिय करे, यही है, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए चलिए गो गो। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मानते हो, विचारने की बात यह है कि वस्तु स्थिति क्या है। हम अनादिकाल से अज्ञानी जीव, अनादिकाल से एक समय भी नहीं हुआ, शरीर को अपना मान रहा है। विचारने की बात यह है, एक समय भी शरीर अपना हुआ नहीं है। तुम क्या मानते हो कि कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर वस्तु स्थिति की वैल्यू हुआ करती है। और लोग में भी इग्नोरेंस को कोई बख्शता नहीं है। सर आई डिडंट नो, आई डिडंट नो, नहीं होता लोक में, मुझे पता ही नहीं था यहां क्या ऐसे रूल्स है। तुमको इंडिया में आने के पहले एक पर्चा पकड़ा दिया था, साहब हमने जल्दबाजी में यहां से जाना होता है। नो, इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण आग में भी पैर रखे जलेगा जलेगा जलेगा। फिर से कहूंगा, समझ हमारा भगवान है विवेकानंद, वेदांत के स्पीच में एक जगह बोलते हैं, ओ गॉड ब्रिंग लाइट ऑन द अर्थ, गिव लाइट टू द पुअर्स एंड मोर टू द रिचेस
फॉर दे नीड इट मोर. समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग थोड़ा? ओ गॉड गिव लाइट टू द पुअर्स. हे भगवान, सद्बुद्धि, लाइट मतलब सद्बुद्धि दो, गरीबों को दो, अमीरों को ज्यादा दो. अपने अपने ढूंढते रहते हैं. एक सेकंड, सेकंड विचारणीय बात जिसके पीछे पड़ रहा हूं इतना सारा. ओ गॉड गिव लाइट टू द इग्नोरेंट्स. जो अज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्ञान दो. एंड मोर टू द लिटरेट्स फॉर दे नीड इट मोर. और ज्यादा ज्ञान अनपढ़ से उनको दीजिए जो स्वयं को पढ़े लिखे मानते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की आज ज्यादा जरूरत है. बात पढ़े लिखे पुस्तकी ज्ञान की नहीं है, बात सम्यक ज्ञान की है, बात विवेक की है, विवेक की. तीन गाथाएं कही जा रही है, दमदार तत्व ज्ञान है ये. पहली गाथा में यह कहा जा रहा है, घटपट और रथ की बात की जा रही है. संतन बीवी गाथा मैं चाहूंगा 98, सॉरी मुझे 98 क्यों गायब हो गया. 98 बीवी गाथा फिर से एक बार पढ़िए जरा. वर्ड क्या है वहां पर? घटपट. राधानी शुड बी चेंज्ड, इट्स अ मिस्टेक. चाहिए रथानी, वर्ड चाहिए रथानी. आई थिंक अनुशीलन में क्लियर कर दिया गया होगा. यहां पर क्या है? राधानी. अगेन यहां पर क्या है? राधानी. चाहिए रथानी, चाहिए रथानी. ओके आगे बढ़ते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है. पहली गाथा में यह बताया जा रहा है, मैं घट को करता हूं, पट को करता हूं, रथ को करता हूं. कुमार, जुलाहा, बड़ई, बड़ई डू यू कॉल फॉर कारपेंटर, तीनों को आज फाइल पर लिया है. आज कोर्ट में पेशी है तीन आदमियों की. तीन के बहाने, दीज थ्री आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द प्रोफेशंस. कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश. एक वो केजी है केवल ज्ञान वाली, और एक ये केजी है अज्ञानावस्था वाली. मैं अज्ञानावस्था वाली केजी की बात करता हूं. जब हम केजी में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड में जाते हैं, तो पूरी जोर से एक चीज पढ़ाई जाती है, जो ये अमुक के काम करता है लोहा पिटने करने के, उसको बोलो लोहार कहते हैं. जो आभूषण बनाता है उसको सुनार कहते हैं. ये बहुत पढ़ाया जाता है. आपको आपका याद आ रहा होगा, मुझे मेरा याद आने लग गया है. दिस पर्सन इज कॉल्ड ब्लैक स्मिथ, दिस पर्सन इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ. ये कॉबलर, इसको जो ऐसा करता है चप्पल जूते सीता है उसको कॉबलर कहते हैं, उसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं. और प्रारंभिक दो पांच साल बच्चे के घेर लेते हैं ये एजुकेशन बोर्ड्स. ये कहते हुए घट को करने वाला, घट को कौन करता है? कुम्हार करता है. पट को कौन करता है? जुलाहा करता है. और रथ को कौन करता है? बड़ई करता है. ये पूरी जान लगा देते हैं वे. यहां पर उल्टी धारा चल रही है. यहां पर ये कह रहे हैं कि कोई घट को करता है ऐसा, कुम्हार कहता है मैंने घट को किया आदि आदि आदि. कोई कहलवाता है, ये व्यवहारी जनों का व्यामोह है. स्कूली भाषा कितने व्यामोह की भाषा है, आप समझ रहे होंगे. और कितना श्रम लगता है हमको, धर्म चढ़ता ही नहीं, चढ़ता ही नहीं. और जहां तक चढ़ना चाहिए वहां तक तो चढ़ता ही नहीं. कदाचित यहां यहां चढ़ भी जाए कहीं, लेकिन जहां उसका असर होना चाहिए वो असर होता ही नहीं उसका. समझ रहे सभी? जमाना वो था जब कहावत ये प्रचलित थी, मार मार के बोलो बोलो, मार मार के ये लोग मार मार के मुल्ला बनाते हैं.
वो जमाना चल रहा था। अरे आपको फटाफट बोलना चाहिए ना कहावतों को। तो मुगल शासन चल रहा था आप जानते हैं, और लोगों को अच्छे हिंदुओं को पकड़कर या तो मर जाओ या तो फिर उसको मुस्लिम बनाया जाता था। और जो भी मुगल की गली से निकला वहां से गुजरा, पकड़ लो इसको, मुस्लिम बना, प्रमाण शोरमा पिला दो, नॉनवेज पिलाया जाता था तुरंत। एक हिंदू था उसको भी पकड़ लिया गया मुसलमान के खेमे में, वो बड़ा हो गया। 20 30 40 साल उसको वहां गुजर गए। अचानक एक दिन गिरा और मुंह से निकला उसके, अरे राम हे राम। पकड़ लिया चार पांच जन ने, फिर ये क्या बोले, ये तो निकलना तो बहुत मुश्किल है साहब, ऊपर से मैं दाढ़ी कर सकता हूं आपके, वहां जा सकता हूं। अब वो तो बस गई है अंदर, क्या कर सकते हैं हम इसको, वो इतनी चढ़ जाती है वो नशा। आप समझ रहे हैं, मैंने किया का भूत। कर्ता कर्म अधिकार के एकदम क्लाइमैक्स पर हम पहुंच रहे हैं। 98 99 100, करस्यामी करस्यामी करस्यामी, बोलिए, इति चिंतवन मरस्यामी 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 इति विस्मृतम, ये करना है ये करना है ये करना है। इस उलझन में ये तो मैं भूल ही गया कि मुझे कभी मरना भी है। घटपट आदि रथ का करता है ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है, बकते हैं ऐसा बकते हैं, ऐसे पहली गाथा में बोल दिया। यहां पर बहुत उल्टा काम है, ये बहुत उल्टा काम है, जो आज तक पढ़ा है उससे उल्टा है। सुल्टा तो ये है, उल्टा तो वो है। वैसे तो एक उदाहरण आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पानी ले जाना है, कितना श्रम साध्य है, हजारों किलोमीटर का फासला, कितना साध्य है, श्रम साध्य कुछ नहीं। आप तो लीटरों की बात करते हो, गैलन्स की बात करो आप तो, और मिनटों में यहां से वह ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक गिलास पानी लाना है बंगाल की खाड़ी से लेकर हिमालय तक, यह काम कितना कठिन है, समझ रहे हैं। वो पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई आपकी, अभी ये पढ़ाई की बात चलेगी। ये अंदर भिनाना जरूरी है, और उससे ज्यादा ये, तब तो जाकर यह असरदार होगा। जितना छोटा ये काटा है, बड़े और कांटे से कांटा निकालना है तो वो कांटा थोड़ा बड़ा चाहिए, आप तो जानते ही है। दूसरी गाथा में ये कह रहे हैं, यदि ऐसा होने लग जाए, घटपट और रथ का कर्ता यदि जीव होने लग जाए, घटपट रथ के साथ साथ द्रव्य कर्म को भी लिया जा रहा है, नौकर्म और द्रव्य कर्म दोनों को लिया जा रहा है, माइंड वेल, यहां पर भाव कर्मों की बात नहीं है। क्रोधादि ऐसा शब्द आते हुए भी वे क्रोधादि कहकर द्रव्य कर्म की बात करते हैं। केवल दो द्रव्यों में कर्ता कर्म की मान्यता को समाप्त किया जा रहा है, समझ में आता है। दूसरी गाथा में यह कह रहे हैं, पहली गाथा में क्या कहा, व्यवहारी जनों का व्यामोह है। दूसरी गाथा में यह कह रहे हैं, क्योंकि यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता तब तो परिणाम परिणामी संबंध हो जाता, और परिणाम परिणामी संबंध मतलब यह परिणमति से कर्ता हो जाता। कितने जन फॉलो कर रहे, उस रूप परिणाम तब तक तो फिर आप कर्ता कहते, लेकिन परिणाम परिणामी तो संबंध होता नहीं है उनका, तन्मयपना तो होता नहीं है। सब टीका के शब्दों का प्रयोग में धीरे 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 एक एक शब्द में पुटअप करता जा रहा, तन्मय तो होता नहीं है, लेकिन तो कैसे कर्ता कहे उसको, कर्ता नहीं है। दूसरी गाथा में कहा, तीसरी गाथा में यह कहा जा रहा है, योग और उपयोग जो क्षणिक हुआ है कुमार का, वो कर्ता हो तो भले ही हो सकता है निमित्त कर्ता, वैसे कुमार घट का निमित्त कर्ता भी नहीं है। ऐसी गाथा तीसरी आ गई। तीन गाथाएं समझ रहे हैं आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या तीन गाथाएं कोई बताएगा, तीसरी गाथा का क्या सेंस कहा, जीव
राइट, अब पढ़ क्या है शायद, गुड। जीवो न करे दिघडम नेव पडम नेव सेसगे दौवे जोगोगा पा दगायते सिंहवदी कत्ता। जीवो न करे दिघडम नेव पडम नेव सेसगे दौवे जोगोगा पा। शेष के द्रव्य कहकर और भी शेष द्रव्य इसमें शामिल समझ लेना, कोई बड़ी और कुमार कोई फाइल पर नहीं लिया है हमने। घटपट रथ तो रोज हमको देखने में आते जंगल में, ये सब समझ में आया। कोई लोग यहां पर बैठ बैठ कर कुछ बनाते रहते तो उदाहरण वैसे हमने दे दिए हैं। तीसरी गाथा में यह कहा जा रहा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंधी कुमार को और घट का नहीं होता, उपादान उपादेय संबंध की तो बात ही नहीं है। दो द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य में नहीं होता। अभेद रूप से कहा जाता होगा खरेखर निमित्त नैमित्तिक संबंध दो पर्यायों में होता है। नैमित्तिक को तो आप एक क्षणवर्ती मानते हो, निमित्त को आप अखा पूरा क्यों मानते हो? फिर जिस समय में नैमित्तिक हुआ है उसी समय तो आरोप आता है निमित्तपने का। तो कायदे से जैसा नैमित्तिक क्षणिक भाव है उसी प्रकार निमित्त भी क्षणिक ही भाव है। वो पूरा 60 साल का कुमार निमित्त कैसे हो सकता है? उस समय का, उस कुमार का, उस समय का योग और उपयोग से परिणमित कुमार, खरेखर योग और उपयोग ही निमित्त कारण है उस घड़े का। दो कार्यों की लड़ाई है, द्रव्यों को क्यों घसीटा जा रहा है? कितने जन समझ रहे? द्रव्य तो ना खरेखर कार्य है, द्रव्य तो ना खरेखर कारण भी। बुखार आए वाला कुमार, सोता हुआ कुमार, बीड़ी पीने वाला कुमार, ये सब कोई निमित्त कारण नहीं है। वो जो स्विफ्टली घुमा रहा है अभी चक्र को, स्विफ्टली दंड डाल के घुमा रहा है, स्विफ्टली दंड और जैसे दंड नीचे फेंका फिर ये नहीं कहता सुनो मुझे पानी ले आओ पीने के लिए, ये बात नहीं करता। चाय का उदाहरण हटा दिया मैंने, वो फालतू बात नहीं करता बीच में पानी लाओ आदि लाओ। वो तो इतनी मेहनत उसकी बेकार चली जाएगी ना, फटाफट लगदा उठाता है स्टार्ट धड़ाधड़ और चक्र घूमने के पहले जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, जब तक चक्र घूम रहा है उसके पहले उसको घड़ा तैयार करना है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा कि बीच में बंद हो जाएगा तो फिर से एक जर्क दे देंगे, ऐसा नहीं होता। एक स्ट्रोक में घड़ा खड़ा करना है उसको, तो धड़ाधड़ यहां वहां देखता भी नहीं है फिर वो। कोई एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं करनी है, उपयोग उसका यही है। अभी मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया? उपयोग उसका यही है, यही है। और ये योग और उपयोग ये निमित्त कारण है उस घड़े का। यदि द्रव्य को कुम्हार को निमित्त कारण कहते हैं, न्याय की भाषा में बात करते हैं, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा फिर तो, क्योंकि कुम्हार सदाकाल है तो ये भी सदाकाल होना चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैं थीम की तरफ बढ़ रहा हूं, उससे पहले वैसे ही थोड़ा सा आपको और थोड़ा पक्का करने का भाव है। लोग अक्सर ये बात कहते हैं कुमार का घड़े का कर्ता कैसे हो सकता है, और ऐसा हो तो क्या होगा? कितने जन गाथाओं को पढ़ के आए हैं? ये 3 गाथाओं को, शाबाश। आहा, आपका हाथ ऊपर नहीं था वैसे, क्या बात है, नहीं पढ़ के आए? हाँ कोई बात नहीं, कुम्हार यदि घड़े का कर्ता हो तो क्या हो जाए? आपने कहा भी अभी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाए। सोई तुम्हारे त्रिकाल उपादान कारण में आपत्ति खड़ी हो रही है, कितने जन समझ रहे? और यदि कुम्हार यदि कर्ता होता तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनता,
लेकिन आत्मा भी यदि करता होता तब भी वही समस्या खड़ी होती आपकी, समझ में आया? और वो बार बार हमको पूछ रहा है, यदि कुमार ने नहीं किया, यदि कुमार ने नहीं किया, पहली बात तो आप कुमार ने घड़े को नहीं किया ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर कभी आप ये भी तो बोलते बड़ई ने घड़े को नहीं किया, ऐसा तो आप नहीं बोलते। एक पॉइंट एक। दूसरी बात ये है, कहते हैं आज तक खदान में मिट्टी पड़ी है, हजारों लाखों वर्ष हो गए हैं, अनादिकाल से पड़ी है, तो तब घड़ा बन जाता ना एक हद बार। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? और हम तो बार बार ये कह रहे हैं कुमार और घड़ा बन गया, तुम तो एक हद बार बन के दिखाओ ना, होके दिखाओ ना ऐसा कुछ, तब तो हम माने मिट्टी का। इसीलिए जैन शासन ने एक अद्भुत रीति नीति अपनाई है, इसलिए जैसा कुम्हार है वैसे ही तुम्हारी मिट्टी है, ढेर है, दोनों काम के तो कुछ भी नहीं है, असमर्थ उपादान कारण कहकर उसको भी आउट करेंगे। क्षणिक उपादान कारण एक नया लॉन्च किया, समझ रहे हैं? अब बोल के दिखाओ तुम कुछ। मिट्टी में ये सब ताकत होने पर भी क्यों नहीं हो रहा है? जो प्रश्न है, योग्यता नहीं है उसकी अभी होने की, योग्यता ये नियामक कारण बताया गया है, समझ में आता है? गुड। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा ऐसा उनका कहना था। अब हम थोड़ा सा थीम की ओर बढ़ते प्रॉपरली। ना घट को करता है, ना पट को करता है, ना रथ को करता है। पूर्व गाथा में क्या बोला? योग और उपयोग को बाद में सेटल कर लेंगे। पूर्व गाथा में क्या बोल रहे थे? वैसे यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होने लग जाए ना, परिणाम परिणाम में संबंध होगा, तन्मयता आ जाएगी। आपका अटेंशन बहुत चुस्त है, दिस इज वेरी नाइस फॉर मी। मुझे एक भी झपकिया देखने का मैं आदि नहीं हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। एक दिन की बात है, देखो प्रकृति खुली पुस्तक है, कोई टीचर हमको नहीं पढ़ा सकता, प्रकृति आपको खूब पढ़ाती है। जिसको पिता नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, जिसको बाप ही नहीं होता, उस आदमी को बच्चे को देख लेना आप, मजबूत होता है वो थोड़ा सा। जिसको माँ भी नहीं, उस बच्चे को भी देख लेना, बिगड़ने को तो बिगड़ ही सकता है, बात उसकी नहीं चल रही है। विधवा नारी को कभी देख लेना आप लोग, उसका जोश उमंग देख लेना, कभी किसी से कम नहीं आती, क्योंकि जब जिम्मेदारी माथे पर पड़ती है, आदमी हाथ पैर मारता है, जब पानी में गिरता है तो हाथ पैर मारने ही शरण होता है, वो तैयार दिखेगा आपको। लाल बहादुर शास्त्री आदि, इनको कहा छत्र छाए मिली, कुछ ऐसे ही पल गए, पस गए, एकदम ओके हो गई है, समाज को संभालने लग गए। खैर मैं क्यों कह रहा था इतना सारा, प्रकृति एक खुली पुस्तक है, आपको सीखना चाहिए। माँ बाप आपको सिखाते कम है, पुस्तकें ये पुस्तकें भी सिखाते कम है, अब खुली दृष्टि से देखा करो सब। मैं पढ़ता पढ़ाता तो बहुत था पहले भी, आनंद खूब लिया है, खूब लिया है मैंने तो। सात सात आठ आठ दस दस घंटे, तीन तीन घंटे थरोली पढ़ाता था, तब मैं ये मानता था मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, ये तो तब भी समझता था मैं। मैं ऐसा नहीं समझा कभी कि मुझे बहुत आता है, लेकिन मेरी एक ही पहले से मेरी एक थिंकिंग रही है, मुझे यदि कोई ऊपर बैठने को कहेगा तो मैं उनको मना कभी नहीं करूंगा, मैंने पहले ही थिंकिंग थी मेरी, ये कभी नहीं लगा था कभी मैं ऊपर भी बिठाया जाऊंगा। खनिया दहना तो बहुत बाय चांस ही आ गया मैं, एक जुनून सवार हो गया था मुझे तब, कि हमारा उम्र जैसी गुजरी है सो तो गुजर ही गई है, आने वाले कल को हम क्या जवाब देंगे? जिनका भविष्य हमारे हाथ में है उपचार से, कर्तकर्म अधिकार तो चल ही रहा है आपने, उसको नहीं बोल सकते ना हम, मूल थी में।
मुक्ति हो गई थी और मुझे धर्म की रुचि लग गई थी। काल प्रत्यय सत्य यू कैन कॉल समहाउ, किसी दस किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स अच्छे लगते थे, किसी का भी स्पीच होता था चला जाता था सुनने करने को। यह अनेक कारणों से यह कहने का विकल्प है मुझे, ताकि कोई दूसरी बात घुसी हो तो दिमाग से हट जाए। मुझे था तो किसी ने ऑफर किया एक बार, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो आज भी यहां पर एक स्पीच होगा इन योर वर्ड्स, तो आप आओगे क्या यहां पर? मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा। एक फ्रेंड ने ऑफर किया तो फिर मैं वहां पर गया, आज भी नहीं जानता किसका सुना था मैंने पहली बार लाइफ में मेरे। बाद में पता चला तब ये कहते थे जयपुर से कोई विद्वान आया है स्मारक से, होगा 12वीं का ही छात्र या फर्स्ट ईयर का। आधा घंटा मैंने उनको सुना, मुझे सही बात टू द बेस्ट लगी। माय हंट इज ओवर, जिसकी मुझे तलाश थी वो चीज मुझे मिल गई है, यहां पर काम बनेगा अपना। लेकिन वो तो एक दिन का पीरियड था, उनको तो चले गए भुर। सब ऐसा ही होता है, सब मार्ग ही दिखाते हैं, हाथ पर तुम्हें अपना अपना ही मारना पड़ता है। मां बाप तुम्हारे पीछे कोई यहीं पर रहने वाले नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। शुक्र मानो हमको डायरेक्शन तो मिल गई है, कुछ कुछ लोग तो उससे भी वंचित है। और आप डायरेक्शन मिलने के बाद भी आप छटपटा रहे, आप बने रहो, वस्तु व्यवस्था नहीं हुआ करती ऐसी। तीर्थंकरों को भी जाना है, कभी उनका भी टेक ऑफ होना है, सबको अपना अपना देखना है भाई। तुम्हारी आकर दो रोटियां हमने ठोक दी तो हो क्या गया ऐसा? तुम कह रहे अब यहीं पर आ रहे, हमको हमारे घर का भी काम देखना है। दैट चेंज्ड माय लाइफ। मैं आज भी नहीं जानता, कहेंगे कौन किससे सुना था क्या, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। हिलने लग गए, और उससे पहले कुछ बीज पड़ गए थे दो नॉन जेंट्स के जरिए। खैर बात बदलती गई, फिर खनिया दहना के बात पर आता हूं मैं। खनिया दहना तो मैं 10 एड्रेस मुझे मिल गए थे, मुझे लगा बच्ची को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले, भाग्य से तो ये मिशन आज खड़ा दिख रहा है शाश्वत धाम का। ऐसा कुछ तो वहां पर था भी नहीं, तब तो कोई बात नहीं थी। तो मैं तो मेरी देखो उसको अज्ञानता कहे या जोश कहे, मेरा मैं तड़पन होने लग गई कि बच्ची का भी लाइफ ऐसा नहीं जाएगा। वहां पर बहुत अच्छा माहौल नहीं देखा जहां पर मैं रहता था, इसको प्रारंभ से कुछ कल्पना ही कुछ गुरुकुल हो सकता है क्या ऐसा। तो किसी को पूछा तो मना तो बहुत जन ने किया, मत जाओ, लेकिन ये डिसीजन मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था, किसी को पूछकर कोई डिसीजन नहीं लिया। घर पे भी बस पूछते समय निकलते समय मम्मी पापा को पूछा, माता पिता को, कि मैं निकलने का सोच रहा हूं कि आप मुझे फॉलो करेंगे। पत्नी को पूछा नहीं, पत्नियों को कहा जाता है, पूछने की परंपरा नहीं हुआ करती। वी आर डिसीजन मेकर्स। मैं कोई ये बात नहीं कर रहा हूं, कोई आतंक और की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो जमाना बदल भी गया है। बट वेन यू आर डैम श्योर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसमें उनके वोट तो लिए ही नहीं जा सकते जो सशंक हो। अच्छा काम करते समय शंका के कोई गुंजाइश वहां पर नहीं खड़ी दिखनी चाहिए। कैसे हो सकता है? बस बात मत करो, तो ये काम होगा। कैसे होगा क्या होगा? बात मत करो ज्यादा। यहां पर निगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करना है। तुम्हारा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चलेगा, हम अकेले काम कर लेंगे। माइंड मेकअप किया, फोन घुमाया पहले महावीर जी, मैं तो तब ये भी नहीं जानता था अपना मिशन कौन सा दूसरा मिशन कौन सा, ये कोई बात समझता ही नहीं था मैं। मिशन कुछ बात ही नहीं समझता था, मुझे जैनिज्म समझाना था ज्यादा, तो बच्ची को मिले इतना ही भाव था। महावीर जी फोन किया, वहां पर मैंने कहा गुरुकुल, तो बोले कि वो थोड़े हंसकर बोले, हंसता कोई भी हंसता, बोले लड़कियों का तो वैसे गुरुकुल है नहीं बोले यहां पर, लेकिन बोले इतनी छोटी उम्र में गुरुकुल में भला कोई कभी। मैं समझ गया ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारी लिस्ट थी उसमें,
उसमें फिर मैं तो टटोल रहा था, मुझे तो परिचय किसी का भी नहीं था, कोई ना मुझे जानता था, मैं किसी को नहीं जानता था। यह अनजानापन कभी कभी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये मुझे जानते हैं, ये मुझे, वे मुझे जानते हैं, ये कभी कभी ईगो भी पैदा कराता है, हमारे अच्छे अच्छे काम में अवरोध भी खड़ा करता है। मैं किसी को जानता नहीं था और मैं तो गर्जी था, मुझे वो चीज चाहिए थी एट एनी कॉस्ट। मैंने फिर दूसरा नंबर मिला खनियादाना का, प्रिंसिपल ने फोन उठाया, उन्होंने भी ऐसी ही थोड़ा सा हंसते हुए उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है ये लड़कियों के लिए, तो वैसे भी या नहीं और इतनी छोटी उम्र में नहीं हो सकता। फोन रखते समय शायद मेरा उपादान मजबूत था आज, फोन रखते समय उन्होंने कहा आप क्या पढ़े लिखे हो। जैसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा आप एक काम कर सकते हो, आप यहां आ सकते हो, आपको हम नौकरी दे देंगे, आपको नौकरी देने के बहाने आप कैंपस में आ जाएंगे, कैंपस में आने के बहाने आप लड़की को वैसे ही संस्कार दे सकेंगे जैसे हम यहां पर बच्चों को देते हैं। काम हो गया मेरा। वैसे तो मैं पैसा काफी लेकर निकला घर से, क्योंकि मेरा यह था भ्रमण करेंगे सब जगह, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं कहां रुकूंगा। खनियादाना गया, जान न पहचान वहां पर किसी से, यकीन मानना यदि वो मुझे पहले दिन झाड़ू भी पकड़ा देते मैं झाड़ू भी लगाता। मैं गर्जी था और गरज एक ही थी, क्या थी, हमको जो नहीं मिल सका आज तक हम बच्चे को देंगे एट एनी कॉस्ट। यदि ये हमको यहां पर रहने को देते हैं जगह, तो दैट विल बी सो मच फॉर अस, दिस विल बी हेवन टू अस। लेकिन ऐसा तो कुछ होने का उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने कहा आप ये भी पढ़ा सकते, वो भी पढ़ा सकते, वो भी पढ़ा सकते हैं, और जीवन में कभी दिमाग में आया नहीं था कभी चाकरी भी हम करेंगे किसी की, इसीलिए मेरे पास कोई सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे, मैं ABCD भी पढ़ा हूं इसका प्रमाण नहीं था। ये कौन कह सकता है, तिलक, तिलक ऑटोबायोग्राफी, ये कौन कह सकता है कि मैं BA फेल हूं। काम नहीं, बोलो, परिणाम निरखती, हमारे सर्टिफिकेट दिखा दिखा कर बस करो भी, बस भी करो, कब तक चलेगा, हमारा व्यक्तित्व ही कुछ नहीं बोल पाएगा क्या, ये क्यों पुद्गल क्यों हमारा परिचय कराएगा। हालांकि परिचय तो फिर भी पुद्गल ही कराएगा कहीं ना कहीं। इवन देन सब तैयारी रखकर गया था, खैर काल बदलता गया, 2-3 दिन के बाद मैंने बोल दिया वहां पर, एक ब्रह्मचारी भाई थे वहां पर, तो मैंने उनको कहा, अमित भाई उनका नाम था, तो मैंने कहा चलो 2-3 दिन के बाद मैंने कहा चलो मुझे अभी और जगह जाना है, तो वो इंसिस्ट करने लग गए मुझे आप कहीं मत जाओ, आप हमको पूरा विश्वास का मौका दीजिए, हम आपको हर तरफ से आपको निश्चिंत करेंगे, आप तो यहीं पर बस जाओ। 2-3 दिन के बाद थी, और तो पहले दिन पूछा था आप द्रव्य संग्रह पढ़ाए कभी, मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, पढ़ा ना हो तो मैं पढ़ा भी सकूंगा, पढ़ा कभी भी नहीं है मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ा है आपका लिटरेचर। उन्होंने भी आंख ही वैल्यू, तो कोई कहता यार ये क्या फालतू बातें करता है, कभी पढ़ा तो कुछ, पढ़ा कभी कुछ नहीं था तब भी मैंने थोड़े से गाइड पढ़ के आ गया था बस, बाल बोध वगैरह की गाइड मिली थी बहन जी की। अब वो कितनी सरसरी नजर से पढ़ा था तब क्या समझा होगा, ये तो क्या बात है उसकी। और जब यहां पर आया तो फिर वो बात सेटिंग बन गई सब। 3-4 महीने के बाद उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा मैं जाने के बाद शायद आपको ऑफर कर सकती है समाज बैठने के लिए, यदि वे ऑफर करे, मैंने कहा मैं मना नहीं करूंगा, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि तुम कह रहे हो हमको तो हम क्यों मना करेंगे, ये सब हमको नहीं आता, हमको हम कैसे बैठे, इसका विचार समाज करे ना, हमको आता है कि नहीं आता है, बिठाया तुमने है तो गलती तुम्हारी है, हमारी थोड़ी हो, हमारी यह समझ पर प्रश्न चिन्ह थोड़ी खड़ा होगा, तो वो तो तुम्हारे ऊपर होता, ये तो इस विचार का धनी मैं पहले से ही हूं। खैर मुझे तो फिर रात दिन, कब रात होती थी कब दिन होता तो मुझे पता ही नहीं चला,
मैं झूमता गया झूमता गया झूमता गया, पढ़ाने के बहाने पढ़ता गया, लोगों का प्रेम तो मिला ही मिला, और शायद इसी सोच के होंगे बच्चा है सुधर जाएगा। बहुत बहुत सारी कठिनाई भी आई, एक दिन की बात है, आइए प्रकरण पे जुड़ जाते हैं, एक दिन की बात है सभा के बाद, तब भी मैं पढ़ता पढ़ाता बहुत था, कैसा पढ़ाता था क्या पढ़ाता था ये तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो एक दिन की बात है, प्रवचन होने के बाद मैं वहां पर एक जगह बाजार लगता है, तो वहां से गुजर कर फिर चेतन बाग आता था, लगभग एक घंटे का फासला था, तो रोज आना जाता था, फिर आते समय मार्केट से आता था, वहां पर वो लगता था मार्केट, तो फिर वो वैसे ही आता था। एक दिन की बात है, वहां से गुजरते गुजरते हुए एक लेडी एक बात बोल रही थी, एक आदमी लौटाने आया था उस लेडी को तरबूज, क्या सब्जी बेच रही थी वो, तो वो कह रहा था कि ये तरबूज नहीं चाहिए, ये तो खराब है, एक घंटे पहले ले गया होगा, मुझे मेरे 100 रुपए दे दो। वो लेडी उस दिन उसको ये बोल रही थी, हम क्या घुस गए हैं इसमें, आज अमृत चंद्र देव की इतनी महिमा ही मुझे वहां पर, उस प्रसंग को उस घटना को मैं नहीं भूल सकता, मैं कहां पर खड़ा था। प्रकृति खुली पुस्तक है, आपको पढ़ना सीखना चाहिए। वो बुढ़िया ये कह रही है तरबूज में हम घुसे नहीं है, मतलब तरबूज को हमने किया नहीं है, यदि हम तरबूज में घुसते, तन्मय होते, व्याप्यापक होते, तब तो हम कर्ता होते, हमको दोषारोपण क्यों दिया जा रहा है। आउट, ये गांव की भाषा है, ठेठ गांव की, समय सार कठिन नहीं है, कुछ ज्यादा ही सरल है, और हमारी भ्रांति ये होती है हम बहुत कठिनाई के रूप में इसको पढ़ने जाते हैं, इसलिए वो चीजें दिखती नहीं हमको, क्योंकि हमने तो प्री इमेजिनेशन किया है, इसके लिए तो ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए। हम तो ये मानकर बैठते बड़े विद्वानों का ग्रंथ बड़े, तो हमको छोटी छोटी बात भी दिमाग में घुसती नहीं है। लोकल भाषा, लोकल क्या, कि यदि परद्रव्य का करना है तो तुमको पहले परद्रव्य में घुसना पड़ेगा, व्याप्यापक होना पड़ेगा, तन्मय होना पड़ेगा, परिणाम परिणाम परिणामी संबंध स्थापित करना पड़ेगा। समझ में आया, वाह, ये इतनी पुस्तकें पढ़ के भी मुझे कभी नहीं मिलती ये चीज। आगे बढ़ते हैं, तन्मय होना जरूरी है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। अभी बात 102-3 गाथा है, हालांकि थीम तो वही है, हो सकता है दाव लगे तो कल 3 गाथा और समझ लेंगे, मैंने अभी कुछ मानस बनाए नहीं है। वैसे पंडित चंद्रशेखर क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए हैं, नाम सुना है आप लोग, कुछ पढ़ते हो उनका साहित्य, नहीं पढ़ते, कैसे सौभाग्य है आज पढ़ने ही पढ़ना रहता है हमको। नो वर्क, कोई किसी से नाता नहीं, किसी से संबंध नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नो कॉन्टेक्ट, नथिंग नथिंग, कोई काम नहीं, आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, आत्मा को पढ़ेंगे, दो ही काम है, एक को ज्ञान कहते हैं, एक को ध्यान कहते हैं, एक आत्मा के बारे में इंफॉर्मेशन that which will be helpful to you so that you reach successfully। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए एक विद्वान हुए, भाग्य से जयपुर ही के है थे, अच्छे लोग मरते नहीं है। वे वर्धमान महान, बात को पूरी करो, जिन्हें बिचारे हमारे अमृतसर का सीन खींचा है उन्होंने, उसने कहा था क्या, उसने कहा था, कहानी का नाम है ये पुस्तक, उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई है, कोर्स में है, उसने कहा था, और इनका पर्यायवाची के रूप में इनको यूज किया जाता है, जैसे हम कुनकुन स्वामी के खाते में डाल सकते हैं समय सार,
वैसे हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के खाते में डाल सकते, उसने कहा था, प्रसिद्ध मानी जाती है, आपके सिलेबस में है, आप उस गंदगी को गौन करके सुनेंगे जो मैं कहूंगा। और मैं तो इसलिए कह रहा हूं पुस्तक की बात है, और वैसे भी आपके सिलेबस में तो है ही। मैं अपने मुद्दे की बात करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा। दो द्रव्य में कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती बाबा, नहीं होती। अमृतसर का सीन खींचा है, सुबह का टाइम है, टांगा वाला टांगा दौड़ा रहा है, और टांगा दौड़ाते दौड़ाते हुए एक हाथ में चाबुक भी है उसका। मालिक को चाबुक मारने की आवश्यकता होती नहीं है, मूर्ख है वे मालिक जो अपनी ताकत पर ही भरोसा नहीं करते हैं। जो खिला रहा है, पाल पोस रहा है, तुम्हें चाबुक की क्या आवश्यकता, हाथ में रखना बात अलग है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो सावधान करता जा रहा है रस्ते वालों को, क्या कहता जा रहा है, बच जा पुत्ता प्यारी, ये कहता हुआ दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है, बच जा पुत्ता प्यारी। व्हाट इज दिस थिंग, उनके लेखक के अपने टर्मिनोलॉजी के वर्ड है, वो पर्टिकुलर भाषा होगी, अपने रीजनल भाषा होगी। यदि आप लोगों को आपके बीवी बच्चों की थोड़ी फिक्र होगी तो आप मेरे टांगे से बचकर चलिएगा जरा, अर्थात बीच में नहीं आएगा, मुझे जाने दो, सीधी बात कर रहे हैं, सिग्नल की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस जैसी धमकी दे रहे हैं सीधी भाषा में। मैं आपको कहूँ तो फटाफट हटाओ यहाँ से, हटो हटो, यदि आपको बाल बच्चे नहीं तो सुनो जी, फिर आपके बच्चे रोएंगे, आपके नाती पोते रोएंगे कि हमारे दादी थी, दादा था, मर गए टांगे के नीचे। क्या मानता होगा, चेतक से कम थोड़ी देखता होगा आपके टांगे, जिसको जो मिल गया सो मानने में क्या बात है उसमें। कहता जा रहा है, फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो थोड़ी सी गालियों पर उतर आया है। गालियों पर उतरने पर घोड़े से गालियां दे रहा है, घोड़े को गालियां दे रहा है, घोड़े को गालियां दे रहा है वो। मैं तो गालियां क्या दू ना, वहां पर भी दी हुई है वैसे कुछ, वहां पर ये लिखा है उस घोड़े के नानी के साथ संबंध स्थापित करके बात करता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे, गाली कुछ दे रहा होगा। लोक में कुछ गाली देते हैं ना, माँ बहन आदि को लेकर ऐसी कुछ गाली दे रहा होगा, तो ऐसा लिखा है उसमें, नानी के साथ संबंध स्थापित करके वो बात कर रहा है, गालियां दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, उस प्रसंग में ये बात आ रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होने के लिए घोड़े के साथ संबंध, घोड़े के नानी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पहले तो इसको घोड़ा बनना पड़ेगा ना, लेकिन कहते हैं, समझ लीजिए बात, वही अपने मिशन में एक उदाहरण दिया जाता है, भैंस का मालिक होने के लिए तुझे पहले पाड़ा होना पड़ेगा, पाड़ा। क्यों, लखों के मालिक को क्या कहते हैं जी, लखपति कहते हैं। बस आप आ गए ट्रैक पर, फंस गए हैं आप, जाल में फंस गए हैं। लाख के मालिक को क्या कहते हैं, लखपति। करोड़ के मालिक को क्या कहते हैं, करोड़पति। भैंस के मालिक को बनने के लिए, लिसन 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 लिसन, सब साइकोलॉजिकली हमको बात को समझना चाहिए, साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल दो ही अप्रोच करना चाहिए हमको। लोक में क्या होता है, लोक की भाषा क्या बोल रही है, प्रकृति को देखो, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एकलव्य ने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया है, टॉप किया है आज इसने। जिसको भैंस का मालिक होना है उसको पाड़ा बनना पड़ेगा, पति बनना पड़ेगा, पति की बात करते हैं, स्वामी। जिसको देश का मालिक होना है, जिसको माइक का वाणी का मालिक होना है, उसको पहले तो शुद्ध हिंदी में बात करो आचार्य देव की भाषा में, उसको पहले पुद्गल होना पड़ेगा। पर द्रव्य का करने के लिए पर द्रव्य रूप संक्रमित होना पड़ेगा। 101, 102, 103 गाथा, तीनों गाथाएं फाइल पर आ चुकी है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तब हो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित हो, उसमें तन्मय हो, उसमें घुस जाए, व्याप्य व्यापक हो जाए, व्याप्त हो जाए, देन तो फिर कर्ता हो जाएगा।
अत्यंत फिर करता हो जाएगा। कितने जन बात को समझ रहे हैं? योग और उपयोग को थोड़ा सा देख लेते हैं तो आज ये तीनों गाथा और उनकी टीका पूर्ण हो जाएगी। कहने का तात्पर्य इतना ही है, अरे भव्यो, स्वर्णिम योग से आपका बहुत अच्छा काल पका है। तत्व ज्ञान तो आप रात दिन वैसे ही कर रहे हैं, एक भेद विज्ञान से यदि चूक जाते हैं तो आपके आंखें पोंछने में कोई भी समर्थ नहीं है। आप समझ लेना इस बात को बहुत अच्छे से। और वो जो फेक और फोक बातें हैं लोक की, फेक और फोक बातें हैं, फालतू बातें हैं जो लोक की, कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड एंड देर इज ऑलवेज अ पर्सन हु स्टैंड्स बिहाइंड व्हेन द वर्ल्ड लीव्स यू एंड, अरे छोड़ो फालतू बातों को, फालतू बातों को छोड़ो। अपने अपने ऊपर निभती है तो हम तुम्हारे देखे कि हमारे देखे, तुम्हारा देखे कि हमारा देखे, क्या माँ क्या बाप और क्या कौन और क्या कौन। निर्दयता से जिस माँ जिन माँ बाप ने आपको 25 साल संभाला है, तल हाथ के फोड़े समान ऐसा लोक में कहते हैं, जिसने इतनी केयर करके संभाला है, 20-25 साल बाद आखिर वे भी तुमको बाहर निकाल ही देते हैं ना। वो अजनबी यदि हमको बाहर निकाल देवे तो उसमें कोई ऐसी बड़ी आश्चर्यजनक बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसी। ये प्राकृतिक संबंध, प्राकृतिक बॉन्ड भी जब कहवत के होते हैं, ये तो कोई प्राकृतिक बॉन्ड भी कहा होता है, ये तो समझौते की बातें होती है। ये तो सब आपको ये दिमाग में डीप इनसाइड आपको ये बात जचाना चाहिए, जताना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हुआ करता। मैं पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं, हम अपनी तिजोरी की चाबियां दूसरों की जेब में देते फिरे, ये समझदारी क्या है? बाप दूसरों का मरे हम अपने सिर मुंडाते फिरे, इसमें क्या रखा रहा पड़ा है? जो मातम मचाए तुम मचाओ, अकुलता तुम्हें हो रही तुम्हारे अज्ञान से, तुम मातम मचाओ, हम तुम्हारे पति है और पत्नी है और भाई है और बहन है, इसलिए हम भी दो आंसू। ये क्या बात है? उसमें क्या बात है? योग और उपयोग ही उसमें निमित्त है क्या कहा जा रहा है। वो सोया हुआ कुमार नहीं, भावताव करता हुआ कुमार भी नहीं। धारणा एंड पारणा की बात नहीं चल रही है यहां पर, पहले की और बात की बात नहीं चल रही है। घड़े का करता वो कुमार है जो विक्रेता नहीं है। समझ में आता है? बहुत अच्छे से कहो, जिसने योग और उपयोग किया है वो योग और उपयोग ही एक समय का वो घड़े का करता है। व्हाट इज योग एंड उपयोग? आत्म प्रदेशों का जो कंपन हुआ, व्हाट इज उपयोग? उपयोग के दो फाइल्स बनेंगे, क्योंकि ज्ञान दर्शन की भी पर्याय है, चरित्र गुण की भी पर्याय है। तो ये जान भी रहा है, जानता हुआ कुमार और उस भाव से ग्रसित कुमार, शुभाशुभ भाव से, दैट इज उपयोग। तो कहते हैं यदि कुमार योग और उपयोग का कर्ता हो तो भले ही हो, पर का कर्ता तो कदापि नहीं है, इजाजत नहीं है कानूनन रूप से, ये कोई प्रावधान नहीं है यहां पर। समझ में आया? योग और उपयोग का कर्ता आत्मा हो तो भले ही हो। योग मीन्स आत्म प्रदेशों का कंपन, वो तो उसी की प्रॉपर्टी है। उपयोग मीन्स ज्ञान भी लिया मैंने, जयचंद जी ने खोला, और शुभाशुभ भाव से परिणमित, वो शुभाशुभ भाव परिणमित द्रव्य भी नहीं कहना चाहता आपने, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो पर्टिकुलर पर्याय ही करता है, ये घड़ा कर्म है, ये निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा घटित हो सकता है? कह रहे दो द्रव्य में निमित्त निमित्तिक संबंध घटित होता नहीं, कहने वाली ये गाथा है। उपादान और उपादेय की तो यहां पर बात ही नहीं चलाना। शेष कल ओम 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 ओम, 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 ओम।